अरे आए कभी चौबारे में वो छुप के खड़ी उस किनारे में वो अरे बातें करे दो इशारे में वो बड़े भैया भैया अरे बातें करे दो इशारे में वो तो छुप के खड़ी उस किनारे में वो गीत कह रहा है अरे इस पार में हो और उस पार वो है कि इस पार में हो और उस पार वो है नदिया बीच में बहती है तो इस पार तो खिड़की 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 ये खिड़की जो बंद रहती क्या बात है बड़े वाह ये खिड़की जो बंद रहती ये खिड़की जो बंद रहती मेरी दुश्मन है ये मेरी उलझन है ये बाबड़े वाह बड़े भैया भैया कि मेरी दुश्मन है ये मेरी उलझन है कितना तड़पाती है कितना तरसाती है ये खिड़की जियो जियो बेटे जियो जोर नहीं बेटे वाह ये गाना बजा ये खिड़की जो सीधी सादी बात है सुनिएगा लेकिन आशा कर रही हूं कि आपको पसंद आएगी चांद अपने खंडगीत में मैं ले रही हूं चांद आप सभी लोग रोज देखते हैं चांद को देखते हैं तो देखेगा हुआ क्या होता क्या है अरे एक चौथ को पूजा जाता है वो सुनिएगा सुनिए बात एकदम सीधी सी है क्या
अरे एक चौथ को पूजा जाता है वो, एक चौथ आती है जिसमें चांद की पूजा होती है और जिस चौथ को कहते हैं करवा चौथ। वाह बेटे वाह, अभी बात है, अभी कुछ समय पहले यही त्योहार निकला है। और क्या, बिल्कुल। तो एक चौथ को पूजा जाता है वो, अरे भैया के एक चौथ को ना मन को भाता है वो। क्या बात है, एक चौथ ऐसी आती है कैसी कि जिस चौथ में चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर दर्शन हो जाए तो जीवन में कोई ना कोई दोष लग जाता है। क्या बात है। तो एक चौथ को ना मन को भाता है वो, लेकिन यही चांद, अरे आशा की किरणें जगाता है वो, के आशा की किरणें जगाता है वो। कब कब कब, कि कल ईद है ये बताता है वो। चंदा मामा आदने भैया, अगर अगर ईद के एक दिन पहले चांद ना देखा जाए तो ईद नहीं मनाई जाती। और क्या, तो आशा की किरणें जगाता है वो। अरे कल ईद है ये बताता है वो, लेकिन लेकिन खास बात क्या पाई, क्या एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। क्या बात है, एक महीने में दो पाख होते हैं, 15 दिनों के दो पाख होते हैं। और क्या, एक को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, एक को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो यही चंद्रमा एक पाख में घटता है, एक पाख में बढ़ता है। तो एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। तो बड़ भैया, अरे एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, लेकिन लेकिन पूर्णिमा को गोल रहता है। क्या बात है बेटे, वाह। चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण गोल रहता है, कहना क्या, पूर्णिमा को गोल रहता है। तो नोट करिए, छापिए, पर अमावस को गोल रहता। क्या बात है बेटे, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियों की गड़गड़ाहट, धन्यवाद है। और क्या, पूर्णिमा को पूर्ण गोल रहता है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल, अमावस के दिन, अमावस की रात में यही चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। क्या लगता है, पास हो गई। पूर्णिमा को गोल रहता है, पर अमावस को गोल रहता है। सुंदर सा खंडगीत हमारे
सम्मान्य बड़े भैया हमारे मुकेश भैया, मुकेश आजाद जी की कलम से निकला है बढ़िया ये सुंदर सा खंडगीत रहा। आइए मेरी ओर से प्रयास रहा। अब आदरणीय हमारे दादा दीक्षित जी सुनिए भैया जी। गीत और सुंदर से कट पीस के माध्यम से आपने जो आज समा बांधी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो गीत गाया है वो अद्वितीय गीत, इसलिए सती के सत पर डांका डालना पड़ा और इसलिए तपी के तप पर डांका डालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पर डांका डालना पड़ा। प्रिया इस गीत के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने रचनाकार को बुलाइएगा जरा, जिसने ये गीत लिखा है मैं उसको मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। आइए सुनिए भाई। इस गीत रचना के लिए भैया अश्विनी पाठक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी नहीं गाया बढ़िया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या कहें, बेटी घर का आज कल बड़ी विडंबना होती है लड़कियों के लिए। लोग चार पंक्तियां कहना चाहूंगा, अश्विनी पाठक के लिए बिटिया कमलेश्वरी कंचन की ओर से भी सम्मान है। भैया अश्विनी पाठक जी खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे गीत मंच पे आना चाहिए, ऐसे गीतों से कीर्तन की।